हेलो फ्रेंड, दिस इज़ वर्तिका गोयल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, पार्ट नंबर 2 9th और 10th के इंग्लिश ग्रामर के, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स अब आने वाले हैं। ऐसे में ये जो सीरीज़ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको कंसेप्ट भी साथ साथ में क्लियर करती चलूंगी। सो फ्रेंड, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। द स्नेक वॉज किल्ड डैश हिम डैश अ स्टिक। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, विद एंड बाय लगाएंगे, बाय एंड विद लगाएंगे, एंड ऑप्शन नंबर सी बाय एंड बाय लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को, मोस्टली स्टूडेंट्स को यहाँ पे कन्फ्यूजन रहती है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया है कि जब हम बाय यूज़ करते हैं, बाय इंडिकेट डूअर, जो काम कर रहा है, जैसे हिम, स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम, उसने स्नेक को मारा, तो यहाँ पे बाय लगेगा। और विद जो है वो इंडिकेट करता है इक्विपमेंट को, यानी कि जो यहाँ पर इस स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो इक्विपमेंट है वो स्टिक है। तो अगर जिस स्टिक से मारा है, इक्विपमेंट है, तो उसके साथ विद लगाएंगे, और जिसके थ्रू मारा गया है यानी कि डूअर, वहाँ पर लगेगा बाय। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 2 पर चलते हैं। यू कैन नॉट कैच अ फिश डैश अ स्मॉल रॉड, राइट। तो यहाँ पे स्मॉल रॉड है, अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जो स्मॉल रॉड है वो एक इक्विपमेंट है। तो आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें आएगा, विद आएगा, बाय आएगा, या विद और बाय कुछ भी आएगा, दोनों में से कोई भी एक आएगा। तो जैसे कि यू कैन नॉट कैच अ फिश, हाँ, तुम फिश कैच नहीं कर सकते विद अ स्मॉल रॉड। तो रॉड एक इक्विपमेंट है, मैंने आपको बताया है, इक्विपमेंट के साथ लगाते हैं विद, राइट। तो यहाँ पे बाय और विद में मैंने आपको अच्छे से डिफरेंस क्लियर कर दिया है। इससे कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में आ जाए, या एडिटिंग के फॉर्मेट में आ जाए, या ऑमिटिंग की फॉर्म में आ जाए, तो आप लोग इजिली इसको सॉल्व कर सकते हो। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। प्लीज़ कमेंट करते रहिए और मुझे बताते रहिए कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हैं। इसी तरह से एक और मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और देके आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। द पेपर वॉज साइंड बाय हिम विद अ पार्कर पेन इन ब्लैंक इंक, राइट। तो ये जो पूरी लाइन है, होप आपको यहाँ से क्लियर हो गई हो। हिम के पहले बाय आएगा और पार्कर पेन जो है एक इक्विपमेंट है, तो यहाँ पे हम विद लगाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। गांधी जी वॉज द डैश एंड डैश ऑफ ऑल द लीडर्स। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए नोबलेस्ट वाइजर, नोबलेस्ट वाइजेस्ट, और नोबलर और वाइजर। तो यहाँ पे जब दो ऑल द लीडर्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, दो से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन होता है जब हम लगाते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे अपने ग्रामर की बुक में आपने अच्छे से पढ़ा होगा कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो जब दो से ज़्यादा के लोगों के बीच में, जैसे गांधी जी को सारे लीडर से कंपेयर किया जा रहा है, बहुत सारे लीडर से कंपेयर किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लगेगी, नोबलेस्ट एंड वाइजेस्ट। तो होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, नोबलेस्ट एंड वाइजेस्ट। इसके साथ सुपरलेटिव डिग्री के अलावा कंपैरेटिव डिग्री तब लगती है जब हम दो के बीच में कंपेयर करते हैं, बिटवीन रिया एंड तन्नू। तो यहाँ पे दो के बीच में हमने कंपेयर किया है, तो इसलिए यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगेगी। बट यहाँ पे गांधी जी का कंपैरिजन सारे लीडर्स के साथ हो रहा है, तो यहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे। सो होप यहाँ से आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ टॉप। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके साथ आ सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन में फंसते हैं कि टॉप की सुपरलेटिव डिग्री क्या है, टॉपर है, टॉप मोस्ट है, या ऑप्शन नंबर सी मोस्ट टॉपर है। तो सारे ही ऑप्शन जो है आपको एक जैसे लगेंगे, बेसिकली यहां से कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट होता है। इसकी टॉप की सुपरलेटिव डिग्री होती है टॉप मोस्ट, तो ध्यान में रखेंगे सुपरलेटिव डिग्री टॉप की टॉप मोस्ट। इसी तरह से कुछ और हम देख लेते हैं, जैसे नॉर्दर्न हो गया, नॉर्दर्न मोस्ट होगी, ईस्टर्न हो गया, ईस्ट मोस्ट होगी। क्योंकि अब नया पैटर्न जो है सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस करवाया एमसीक्यू की फॉर्मेट में, या फिलिप्स की फॉर्मेट में, बहुत सारे क्वेश्चन जो है आईटी के पेपर में देखे गए हैं। तो इंग्लिश का पेपर भी कुछ इस हिसाब से हो सकता है कि आपको बहुत सारे फिलिप्स मिल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग आपको कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर, जैसे ही इज माई डैश ब्रदर, इसमें ओल्डर आएगा, एल्डर आएगा, या फिर सी ऑप्शन ओल्डेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहती है ओल्डर में और एल्डर में। तो ओल्डेस्ट तो होगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल आप काट ही दीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका एल्डर जो है वो बिल्कुल सही होगा। एल्डर हम यूज़ करते हैं जहाँ ब्लड रिलेशन होते हैं, ब्रदर, ही इज़ माई ब्रदर, तो ब्रदर के साथ ब्लड रिलेशन है, तो वहाँ पर हम एल्डर यूज़ करेंगे। और अगर ओल्डर आ जाता है तो ओल्डर में ब्लड रिलेशन नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल ही इज़ ओल्डर दैन हिज अंकल, तो यहाँ पर अंकल से कंपेरिजन हो रहा है, तो अंकल इसके ब्लड रिलेशन में नहीं है, इसलिए वहाँ पर ओल्डर
लगाएंगे, राइट. तो ओल्डेस्ट जो है वो एक सुपरलेटिव डिग्री हो गई, वो तो यहाँ पे आ ही नहीं सकती. तो बेसिकली मैंने बहुत अच्छी एक वीडियो बनाई हुई है एमसीक्यू ट्रिक पर, कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता और उस आंसर तक आप कैसे पहुँचे, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यू अब आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, तो वो वाली वीडियो आप जाकर देखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको इन बोर्ड एग्जाम्स में उस वीडियो को देख के. क्वेश्चन 6 पर चलते हैं. अंटिल द ट्रेन विल डैश गेट द सिग्नल इट विल नॉट रन. ऑप्शन नंबर ए नन. नन मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे कुछ भी नहीं फिल होगा. बी नॉट एंड सी रिसीव. तो हम क्या फिल करेंगे एक्चुअली में, मैंने आपको जब बताया था, जब हमने इसको अच्छे से मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, अनटिल जो है वो अपने आप में ही एक नेगेटिव सेंटेंस है. तो जहाँ पर अनटिल आ जाता है या जहाँ पर अनलेस आ जाता है वहाँ पर हम नॉट नहीं लगाएंगे. तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट होगी, अनटिल द ट्रेन विल गेट द सिग्नल इट विल नॉट रन, यहाँ पर नॉट नहीं आएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, जो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है अनटिल और अनलेस इज नॉट फॉलोड बाय नॉट, राइट. नॉट के बाद नॉट नहीं लगाते अनटिल और अनलेस में. सो होप ये कंसेप्ट जो है क्लियर हो रहे हैं. अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है, और अच्छा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे ये भी बताइए कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हैं और कितने गलत हैं. अगर कोई क्वेरी है तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जो है ज़रूर करूँगी. इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. ही डाइड डैश कैंसर. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो यहाँ पर मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी हम इसको कह सकते हैं. ज़्यादातर जो स्टूडेंट है इसका आंसर जो है रॉन्ग ही लगाते हैं. आप लोग देखिए आपने क्या लगाया है, उसको बाद मैच करिए. ही डाइड डैश विद कैंसर, आंसर बी होगा इसका, ऑफ आएगा इसमें. तो ऑफ एंड फ्रॉम, इन दोनों चीज़ों में बेसिकली कन्फ्यूजन क्रिएट होता है. फ्रॉम लगा के आते हैं स्टूडेंट, तो मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस बताऊंगी. अगर डिजीज से डाई डेथ होती है तो यहाँ पे ऑफ लगाते हैं, जैसे कैंसर से डाइड हो गया तो वहाँ पे ऑफ लगाएंगे. अगर रीजन आता है, ही डाइड फ्रॉम थर्स्ट, तो थर्स्ट क्या है, रीजन है, कारण है, तो वहाँ पर हम लगाएंगे फ्रॉम. तो आप इस चीज़ को माइंड में रखेंगे कि अगर कोई डिजीज आ जाती है, टाइफाइड आ जाता है, कॉलरा आ जाता है, डायरिया आ जाता है, कोई भी अगर डिजीज आती है तो वहाँ पर आप ऑफ लगाएंगे. और अगर रीजन दिया हुआ है कि वो क्यों उसकी डेथ हुई, तो वहां पर हम फ्रॉम लगाएंगे. तो होप ये जो पूरा कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो रहा है. ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचेगा तो उनको फायदा मिलेगा. क्वेश्चन 8 पर चलते हैं. कन्वर्ट द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस. दिस बॉक्स कंटेन 10 सिगार्स, राइट. तो इसको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. पैसिव और एक्टिव वॉइस में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि पैसिव और एक्टिव वॉइस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता ही आता है. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है. यहाँ पे हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे 10 सिगार्स, राइट. 10 सिगार्स पहले आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि 10 सिगार्स जो है प्लूरल है, इसलिए हम आर नहीं लगाएंगे, हम प्लूरल लगाएंगे, आर लगाएंगे, इज नहीं लगाएंगे. इसके बाद आ जाती है वर्ब. मैंने बोला था जब पैसिव वॉइस होता है तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, कंटेन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कंटेंड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा इन दिस बॉक्स. तो इस तरह से जो पैसिव वॉइस है वो बनते हैं, पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, एंड देन सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आता है, राइट. क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं. आई एम गोइंग डैश कार. तो इसमें आप लोग क्या फिल करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ए ऑप्शन बाय, बी ऑप्शन इन, एंड सी ऑप्शन विद, राइट. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो जाती है कि क्या लगाएं, बाय कार लगाएं, इन कार लगाएं, विद कार लगाएं. तो यहाँ पे जब किसी व्हीकल की बात आती है, ट्रांसपोर्ट की बात आती है, कार, बस, ट्रक, ट्रेन, तो आप लोग किस ऑप्शन पर जाएंगे, आप लोग बाय लगाएंगे. आई एम गोइंग बाय कार, राइट. तो बाय लगता है जब किसी ट्रांसपोर्ट की बात होती है, कार, बस, ट्रक, ट्रेन. और इन यूज होता है इंडिकेट्स विद इन लिमिट्स और इंक्लूजन. इसका जो एग्जांपल है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताएंगे, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. बट यहाँ पे अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस आपको दिखता है आई एम गोइंग बाय कार, तो वहाँ पे बाय आएगा, राइट. तो जहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट का नेम आएगा वहाँ पे आप लोग बाय लगाएंगे. क्वेश्चन 10 पर चलते हैं. द बॉय जम्प्ड डैश द रिवर. तो रिवर के अंदर बॉय ने जंप किया, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, विद इन आएगा, इन आएगा, या इनटू आएगा. ऑप्शन नंबर सी इनटू आएगा. तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है इसका इनटू, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन. क्योंकि यहाँ पर जो
कंफ्यूजन है इन और इनटू में क्रिएट होती है, जब किसी के अंदर हम लोग जंप करते हैं तो वहाँ पे इनटू लगाते हैं, राइट, और इन लगाते हैं इनसाइड के लिए, अंदर के लिए. फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाती हूँ, द बॉय एंटर्ड इन द क्लास, या स्टूडेंट्स सिट इन द क्लास, राइट, तो इसका जो आंसर है वो इनटू हो जाएगा. और इन को जो है हम इंक्लूसिव के लिए यूज़ करते हैं, अंदर के लिए यूज़ करते हैं, जैसे वी आर सिटिंग इन द क्लास, हम क्लासरूम के अंदर बैठे हैं. इनटू नहीं आएगा वहाँ पे. इनटू के अंदर इंडिकेट्स करता है एंट्री और इंसर्शन, किसी चीज़ के अंदर घुसना या एंट्री लेना, वहाँ पे इनटू आता है, राइट. होप यहाँ से आपको कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं. तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए मेरे चैनल को. इसके अलावा आर्टिकल्स पर रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, तो लोग आप वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं. आपके एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है. इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं. करेक्ट दी स्टेटमेंट, आपको ये स्टेटमेंट दी हुई है और आपको इसे करेक्ट करना है. लिटिल क्वांटिटी ऑफ फूड वॉज वेस्टेड, तो ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड वॉज वेस्टेड, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, सम क्वांटिटी ऑफ फूड वॉज वेस्टेड, एंड ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हो जाएगी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड वॉज वेस्टेड. ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी के साथ हम लोग लिटिल नहीं लगाते, ना ही फ्यू लगाते हैं. अपनी लास्ट वीडियो में, पार्ट नंबर फर्स्ट में, जब हमने MCQ डिस्कस करे थे, तो हमने बहुत अच्छे से लिटिल, फ्यू, द लिटिल, अ लिटिल, द फ्यू, इन सब के बारे में अच्छे से हमने डिस्कशन किया था. तो वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं. यहाँ पर आपको ध्यान नहीं रखना है कि जो लिटिल और फ्यू है, इनको हम क्वांटिटी से पहले नहीं लिखते, नंबर से पहले नहीं लिखते, स्मॉल आएगा लिटिल की जगह. क्वेश्चन 12 पर चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ को अगर हमें प्लूरल में लिखना है तो कैसे लिखेंगे. ऑप्शन नंबर ए, ब्रदर्स इन लॉ, ऑप्शन नंबर बी, ब्रदर इन लॉज, एंड सी, नन ऑफ दीज. तो यहाँ पर आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे इसका इंतज़ार रहेगा. इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो करेक्ट है, ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये गलत करके आते हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम पर्पज से मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसी तरह से मदर इन लॉ भी आ सकता है, तो उसका प्लूरल हो जाएगा मदर्स इन लॉ, एंड सिस्टर इन लॉ का प्लूरल हो जाएगा सिस्टर्स इन लॉ. सिस्टर इन लॉज नहीं होगा, सिस्टर्स इन लॉ होगा इसका प्लूरल, राइट. तो सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए. क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं. आइडेंटिफाई द मिस्टेक इन द सेंटेंस, इस सेंटेंस में आपको मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना है. ही एंड हिज पेरेंट्स आर गिल्टी. ऑप्शन नंबर ए, यूज वॉज इंस्टेड ऑफ आर, एंड सी, ऑप्शन नंबर सी, यूज इज इंस्टेड ऑफ आर. तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट है. यहाँ पर जो आर लगा हुआ है उसकी जगह हमें हिज इज लगाना है, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था जब कंजक्शंस पढ़ाई थी, जो एंड है उसमें हम सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का यूज़ करते हैं. वर्ब जैसे यहाँ पे आर है, वो सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी. फर्स्ट सब्जेक्ट है यहाँ पे ही, राइट. तो ही के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी. तो ही इज़ अ सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगी. अगर ये होता हिज पेरेंट्स एंड ही आर गिल्टी, तो पेरेंट्स प्लूरल है तो आर लगाते, लेकिन यहाँ पे हमें फर्स्ट सब्जेक्ट ही दे रखा है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगेगी. फर्स्ट सब्जेक्ट ही एक सिंगुलर है, तो हम सिंगुलर लगाएंगे, इज लगाएंगे. ही एंड हिज पेरेंट्स इज गिल्टी आएगा, राइट. क्वेश्चन 14 पर चलते हैं. इसमें हमें प्रपोजिशन जो है वो फिल करनी है. आई रीच्ड दिल्ली - 7 o'clock. ऑप्शन नंबर ए, ऑन. ऑप्शन नंबर बी, बाय. एंड ऑप्शन नंबर सी, एट. तो इसका आंसर होगा एट. जब भी कोई टाइम आपको पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, 7 o'clock, 8 o'clock, तो उससे पहले आप लोग एट लगाते हैं. तो यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि आपका कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं. इसके अलावा जब मई, जून, जुलाई आता है, इन सब के पहले इन लगता है. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के पहले ऑन लगता है. और अगर कोई ईयर का नेम आ जाए, 2005, 2006, इन सब के पहले इन लगता है. तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर भी कीजिए. क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर ए, आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली. ऑप्शन नंबर बी, आई लिव इन मुखर्जी नगर एट दिल्ली. एंड सी ऑप्शन, आई लिव इन मुखर्जी नगर इन दिल्ली. तो यहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे कन्फ्यूजन एट और इन में क्रिएट होता है. तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा. बेसिकली यहाँ पे अगर हम मुखर्जी नगर और दिल्ली की बात देखें, मुखर्जी नगर जो है
स्मॉल है एंड दिल्ली बिग अर्बन है. तो जहाँ पर स्मॉल होता है वहाँ पे एट यूज़ करते हैं, स्मॉलर प्लेसेस पर हम एट यूज़ करते हैं, और जो बिगर प्लेसेस होते हैं जैसे दिल्ली वहाँ पे हम इन यूज़ करते हैं. तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा आई लिव एट दिल्ली, आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली. तो इसी के साथ जो है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि थोड़ा सा उनका फ़ायदा होना भी बहुत ज़रूरी है आप लोगों के साथ साथ. क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं. यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 16 है, वी हैव डैश आर होमवर्क. हमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है, तो बेसिकली ऑप्शन नंबर एक कंप्लीट आएगा इसके अंदर, या फिर ऑप्शन नंबर बी फिनिश्ड आएगा, या फिर ऑप्शन नंबर सी कंप्लीटिंग आएगा. तो यहाँ पर आपको अच्छे से दिख रहा है, अगर आपने टेंसेस की वीडियो मेरी देखी है वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान ये होती है कि जब वर्क जो है फिनिश हो चुका होता है, काम कंप्लीट हो चुका होता है, वहाँ पे हम लोग हैज़ हैव लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं. हैज़ जो है सिंगुलर के साथ लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, ही शी इट के साथ लगता है, और हैव जो है वो प्लूरल के साथ लगता है, जैसे वी अस आई राइट. तो यहाँ पे वी जो है एक प्लूरल है, तो हम लोग हैव लगाया है, और इसमें थर्ड फॉर्म लगेगी फिनिश की, फिनिश्ड. तो इस तरह से बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन 17, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन. करेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे आपको चूज़ करना है. शी इज़ द गुड ऑफ टू सिस्टर, शी इज़ द बेस्ट ऑफ टू सिस्टर, शी इज़ द बेटर ऑफ टू सिस्टर. तो यहाँ पे अगर आपने अच्छे से अपनी ग्रामर की बुक पढ़ी है, तो उसमें डिग्रीज है, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री. तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री जो है वो दो के बीच में अगर कंपैरिजन होता है, तो वहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं. जैसे कि दो सिस्टर्स के बीच की बात हो रही है, दो सिस्टर में से शी इज़ द बेटर वन. तो गुड, बेटर, बेस्ट, तो गुड की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो होती है बेटर. तो इसलिए यहाँ पे बेटर ऑप्शन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दो सिस्टर्स के बीच की बात हो रही है, दो सिस्टर के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे. गुड की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर, और इसी तरह से जो बेस्ट होता है वो सुपरलेटिव डिग्री होता है. मैंने आपको बताया था जैसे गांधी जी को सारे लीडर्स के साथ कंपेयर किया जा रहा है, तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होगी, और यहाँ पे दो सिस्टर्स के बीच की बात हो रही है, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे. क्वेश्चन 18 पर चलते हैं, फिल द करेक्ट प्रपोजिशन. वी रीच्ड दिल्ली डैश 22 अक्टूबर 2008. ऑप्शन नंबर ए ऑन, ऑप्शन नंबर बी एट, एंड ऑप्शन नंबर सी इन. तो आप मुझे बताएंगे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट होगा ऑन, और कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों की तैयारी कितनी हो रही है और आपको समझ कितना आ रहा है. इसके अलावा ऑन लगेगा इस तरह से, अगर पूरा टाइम दे रखा है, डेट दे रखी है, और इन कहाँ लगेगा, सेंचुरीज़ में लगेगा. साइंस गेव अस मैनी लाइफ सेविंग ड्रग्स इन 19th century. तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, जहाँ सेंचुरीज़ आ जाएंगी वहाँ पर आप लोगों को इन लगाना है, इन 21st century बेसिकली, या इन 20th century. और अगर पूरा ऐसे डेट आती है 22 अक्टूबर 2008, तो वहाँ पे आप लोगों को ऑन लगाना है. तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है और लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए. इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 पर. क्वेश्चन नंबर 19 है, विच टेंस इज यूज इन दिस सेंटेंस. पीपल इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. पीपल रोज रोज बढ़ रहे हैं, उनकी जो जनसंख्या है, जो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो गई अब हमारी कंट्री की, वो अब ये जो टेंस है ये कौन सा टेंस है सेंटेंस में. प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है. तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था जब मैंने टेंसेस की वीडियो बनाई थी, आपने नहीं देखे तो जाकर आप देख सकते हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस वो होता है जिसमें वर्क अभी चल ही रहा है, कॉन्टिन्यूसली अभी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है. तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूस की सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि वहाँ पर इज एम आर लगता है और वर्ब के साथ आई एन जी लगती है. जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इज लगाया है और इंक्रीज के साथ आई एन जी लगाया है. आई एन जी देखते ही और इज देखते ही आपको कुछ नहीं करना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पे जस्ट टिक करना है. इसी तरह से परफेक्ट वो होता है जिसमें वर्क जो है कंप्लीट हो चुका होता है, हैज हैव लगता है, और वर्ब की उसमें थर्ड फॉर्म लगती है. क्वेश्चन 20 पर चलते हैं, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है. आई हैव टू डैश दिस वर्क. कंप्लीटेड आएगा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर ए कंप्लीटेड, ऑप्शन नंबर बी फिनिश्ड, एंड ऑप्शन नंबर सी फिनिश.
तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करेंगे, हैव देखते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं फिनिश्ड. तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, यहाँ पे फिनिश्ड नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हैव के बाद टू भी लगा हुआ है. तो जहाँ पर हैव के बाद टू लग जाता है वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. हैव देखते ही आपको, हैज हैव देखते ही आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगानी. वर्ब की थर्ड फॉर्म सिर्फ जो है कि जब प्रेजेंट परफेक्ट में लगती है. यहाँ पर अगर टू हैव टू, सब्जेक्ट के बाद हैव उसके बाद टू, तो वहाँ पर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, आई हैव टू फिनिश दिस वर्क, मुझको ये काम फिनिश करना ही पड़ेगा. तो यहाँ पे हैव टू ध्यान में रखेंगे, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं ओमिटिंग में भी, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी बहुत सारे टू के बाद आपको बस ये ध्यान रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. सो ये सारे क्वेश्चन जो है, होप आपको अच्छे लगे हों. सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए.